तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गैस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। तो गैस आज मैं हूं अपने दोस्त के घर पर, और तुम लोगों को पता है कि मैं अपने दोस्त के घर पर ऐसे नहीं आता हूं, कुछ काम है इसलिए आया हूं, और मुझको सच में यहां पर कुछ काम है। तो जैसा कि गैस आपको पता ही है कि हमने बहुत दिनों पहले स्कॉर्पियो असिलोन को चुराया था शोरूम से, और यहाँ पर हमारी सिटी में आ चुकी है स्कॉर्पियो क्लासिक असिलोन, जो कि न्यू वाली 2023 वाली स्कॉर्पियो है। और मुझे उस स्कॉर्पियो का जो डिजाइन है काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी स्कॉर्पियो असिलोन को कन्वर्ट किया जाए स्कॉर्पियो क्लासिक असिलोन में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यहाँ पर हमने अपनी लोकेशन लगा लिया और उस लोकेशन पर चलते हैं। उस लोकेशन पर हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं जो कि एक मैकेनिक कार मॉडिफाइड करते हैं, तो वो अपनी कार को ना कन्वर्ट कर देंगे, स्कॉर्पियो असिलोन को कन्वर्ट कर देंगे अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक असिलोन में। और आज यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और यहाँ पर भाई साहब GTA के जो ड्राइवर है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, कब रोक के चले जाते हैं कार को पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर मेरे को लगता है पापा की परी यहाँ पर गिर चुकी है, लगता है अपनी स्कूटी हवा में उड़ा रही थी, उड़ते उड़ते नीचे गिर गई। ऐसा कह रहा, इस एक्सीडेंट को देखकर मेरे को एक चीज़ याद आ गई है भाई, आपको आज ज्ञान की बात बता देता हूँ, जब भी आपको स्कूटी पर भाई पापा की परी दिखे ना, तो 2 किलोमीटर दूर चले जाना, अगर जिंदगी प्यारी है तो, वरना तो आप सभी जानते होंगे क्या होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस यहाँ पर आ चुका अपना थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वाला रोड, अब अपनी स्कॉर्पियो असिलोन से थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं। अब बहुत से भाई सोच रहे होंगे कि आप स्कॉर्पियो क्लासिक असिलोन को न्यू भी तो खरीद सकते थे, उसको न्यू नहीं खरीदा, तो क्या रीज़न रहा होगा? तो भाई छोटा सा रीज़न है, वो भी आपको बताऊँगा। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ये स्कॉर्पियो मैंने चोरी की थी, अब अगर बेचने जाऊंगा तो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, और न्यू वाली खरीदूंगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो इससे अच्छा मतलब इसको ही कन्वर्ट करा लेते हैं, क्योंकि उस स्कॉर्पियो में आपको 130 BHP की पावर मिलती है और इसमें 140 BHP की पावर मिलती है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का, मतलब इसका जो इंजन है ज़्यादा पावरफुल है उस वाली स्कॉर्पियो क्लासिक S11 से। और छोटे मोटे रीजन और मिलते हैं, जैसे कि हमें स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में हमें जो एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, लेकिन इस स्कॉर्पियो में एप्पल कारप्ले मिलता है। वो एक है कि उसके जो मतलब इंडिकेटर है ना वो फेंडर पे मिलते हैं, लेकिन इस स्कॉर्पियो में हमें साइड मिरर पे इंडिकेटर मिलते हैं, तो इसीलिए मेरे को लगा नहीं खरीदने से अच्छा है अपनी स्कॉर्पियो असिलोन को कन्वर्ट करा लिया जाए स्कॉर्पियो क्लासिक असिलोन। तो यहाँ पर आ चुके अपनी लोकेशन पर, और यहाँ पर यही वाला गैराज है जहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो असिलोन को मॉडिफाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अपने वो मैकेनिक है जिनका नाम है पप्पू भाई जी, वो भी यहीं पर है। तो ये नहीं तो मैंने इनको बता दिया अपनी इस स्कॉर्पियो को हमें कन्वर्ट कराना है क्लासिक असिलोन है, तो इन्होंने कहा हो जाएगा लेकिन इसमें 1 हफ्ता लगेगा। तो अपने स्कॉर्पियो S11 बिल्कुल रेडी है, फाइनल लुक देखने से पहले वीडियो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बस अपनी जो स्कॉर्पियो S11 वो कन्वर्ट हो चुकी है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अपने जो पीछे के जो टेल लैंप्स है, जो टायर्स है, जो अलॉय व्हील्स है, और जो अपनी हेडलाइट है, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है। पूरी अपनी जो स्कॉर्पियो S11 है अपनी कन्वर्ट हो चुकी है क्लासिक S11 में, और अंदर से भी हमने थोड़ा बहुत मतलब इंटीरियर वगैरह चेंज कराया, जैसे एक्सटीरियर चेंज कराया वैसे इंटीरियर को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करा लिया। और अपनी जो स्कॉर्पियो S11 है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है क्लासिक S11 में, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पर हमने LED लाइट भी इंस्टॉल करा ली है जिसका जो थ्रो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जो स्कॉर्पियो S11 बन चुकी है ब्रांड न्यू क्लासिक S11, इसलिए मैं अपने सभी कार को पप्पू मैकेनिक से मॉडिफाई कराता हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं, हमें आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस हमारी स्कॉर्पियो का काम कंप्लीट हो चुका है, यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।